हाय, वेलकम टू नवीद एकेडमी। आज आपके लिए मैं एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक जॉब से रिलेटेड है कि जो जॉब से रिलेटेड हम टेस्ट देते हैं, चाहे वो मुकाबले के इम्तिहानात हो, चाहे वो आम रिलेटेड जॉब से टेस्ट वगैरह हों, उनको कैसे प्रिपेयर करना है। तो कुछ सिंपल्स मैंने स्टेप बताए हैं, उनको आप फॉलो करें तो आप बहुत अच्छे से जॉब से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टेप वन जो है वो है शुड बी नो अबाउट सिलेबस ऑफ रेवलेंट जॉब्स। आप जो भी जॉब करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड आपको सिलेबस का पता हो। लेट्स सपोज एक जूनियर क्लर्क की जॉब आप कर रहे हो, या एक टीचिंग की जॉब आई है, या किसी और अदारे में किसी से चीज़ से भी रिलेटेड जॉब है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने इससे रिलेटेड टेस्ट देना है उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आपने उसके सिलेबस का पता करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो सेकंड है कि जो आपको सिलेबस मिला है उसको डिवाइड कर लें, जितना भी सिलेबस है उसको आप डिवाइड करें और उससे रिलेटेड फिर डिवाइड करके जब करेंगे ना सिलेबस तो आपको आसानी हो जाएगी, वो मिक्स नहीं होगा। थर्ड जो स्टेप है वो है कलेक्ट डाटा। देखिए, आपने डिवाइड जब सिलेबस को कर लिया है, सिलेबस कलेक्ट भी कर लिया है, तो उसके बाद आपका जो मेन चीज़ है वो कलेक्ट है डाटा। लेट्स सपोज आपके सिलेबस में शामिल है जनरल नॉलेज, तो आपको जनरल नॉलेज का इलम होना चाहिए। उससे रिलेटेड एक फोल्डर बना लिया अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में, और उससे रिलेटेड सारा डाटा। इसलिए अगर कॉम्प्रीहेंसिव का है तो कॉम्प्रीहेंसिव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उसको आप एक फोल्डर बना के रख लें, तो आपके पास जितने भी आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड अलग अलग डाटा ज़रूर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्रिएट हैंड रिटन नोट्स। तो जितना भी आपने डाटा इकट्ठा किया है, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में है, जिसमें भी है, तो आप ख़ुद से ट्राई करें कि अपने हैंड रिटन नोट्स जो बनाने की कोशिश करें। बाद का बंदे का लैपटॉप पे या पीडीएफ फाइल्स को देखने को दिल नहीं करता या एक्सेस नहीं होती हर जगह पे, तो आप जो हैंड रिटन नोट्स हैं, एक तो जब आप लिखेंगे उस वक्त आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चाहे आप थोड़ा कर लें लेकिन बहुत अच्छा करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके बाद जो लास्ट हमारा जो स्टेप है वेरी इंपॉर्टेंट, डेज डिसाइड एंड डिवाइड रूल। इससे क्या है, इसमें ये होता है कि आप जितने भी डेज़ हैं उनको डिवाइड करें, और उससे ये है कि लेट्स सपोज मंडे है तो उसके लिए कुछ एक सिलेबस का एक पार्ट, जैसे जीके है या इंग्लिश है या मैथ है, तो उसको दे दें, सिर्फ एक को दें। तो एक चीज़ को अच्छे से दें ताकि आप जब एक सब्जेक्ट को टाइम देंगे तो आप उसकी रिसर्च भी कर सकते हैं और उनके लिए इससे रिलेटेड डाटा भी अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं। मींस के एक दिन में दो तीन चीज़ों को करने के बजाय बेहतर है कि आप एक ही को करें। और इससे तो होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें इसको, सब्सक्राइब भी करें, और इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह बहुत अच्छे से आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो थैंक यू सो मच, बाय।